सभी के शुभ रहे बच्चों। मैंने लास्ट क्लास में आपको टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में मैंने समझाया, सो सभी को समझ में आ गया बच्चों। होमवर्क टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना। सो आपको क्लास बच्चों मैंने मन करता है फर्स्ट लेसन वाले वर्ड का नाम क्या है, मन करता है, मन करता है कवि का नाम क्या है, सुरेंद्र विक्रम। कवि का नाम क्या है, सुरेंद्र विक्रम। कवि का नाम सुरेंद्र विक्रम, सुरेंद्र विक्रम। सो सुरेंद्र विक्रम ऑलरेडी लेसन मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सभी को समझ में आ गया बच्चों। बार बार पढ़े तो याद रहेगा। कविता भी बिना देख के बोलना आना है, बिना देख की गीत की तरह गाना आना है। सो बच्चों आपको मन करता है, आपका मन क्या करने के लिए चाहता है। सो टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया लिखना, और इसके बाद आपको अपने वर्कबुक में वर्कबुक भी पढ़ना है। वर्कबुक में जो दिए गए क्लास वर्क स्टार्ट करना है, जो क्लास वर्क आज क्या करना है, क्लास वर्क लिखना है। ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप में भेज दिया, पहले क्या क्या लिखना है ऑलरेडी व्हाट्सएप में भेज दिया, ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा। सो मीरू मैंने फर्स्ट वर्ण हमारा मात्र है बारह कड़ी, सो आधा अक्षर, सो गिनती नंबर्स होने के बाद लेसन स्टार्ट करना है। मन करता है, देखो मन करता है लेसन में क्या क्या लिखना, बस नए शब्द मीनिंग्स। देखो आपको मन मन बोले तो हार्ट, सूरज द सन, आसमान बोले तो क्या द स्काई, दौड़ रन, ऐसा मन में पढ़कर आपका अपने क्लास वर्क में मन करता है ये लिख के नए शब्द लिखना है। नए शब्द आसमान द स्काई, दौड़ रन, चंदा द मून, सब आर तारे स्टार्स, अकड़ प्राइड, दिखाना टू शो, तितली बटरफ्लाई, दूर दूर फार अवे, तक इन उड़ना फ्लाई, कोयल कुकू बर्ड, मीठा स्वीट, बोल वर्ड, सुनाना टू कास्ट टू हियर, चिड़िया बर्ड, शोर मचाना टू मेक नॉइज, चरखी ग्रीन पीली येलो इज लाल रेड, पतंग काइट, ये पूरा आपको क्या क्या करना है क्लास वर्क में लिखना है। क्लास वर्क में क्लास वर्क स्टार्ट करना है, कंपल्सरी फिजिकल वेरिफिकेशन रहेगा आपको, फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम में आपको ब्रिंग द क्लास वर्क एंड टेक करेक्शन। क्लास वर्क में जो भी लिखो क्लास वर्क में रखना, क्लास वर्क आपको फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम में आपको कमेंट टेक करेक्शन, फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम में आपको आइए करेक्शन लेना, ओके करेक्शन लेना है। सो आपको क्या करना है, मीनिंग एक एक मीनिंग होने के बाद थोड़ा लाइन लिख करके नेक्स्ट मीनिंग लिखना, वन बाय वन नंबर साइड में ऐसा नहीं लिखना है, साइड में नहीं लिखना, लाइन में लिखो। थोड़ा आपको ब्रॉड रूप को कहते हो लाइन लिख करके लिखना है, वो भी आपको एक एक मीनिंग होने पर थोड़ा लाइन लिख करके लिखे तो हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ये मीनिंग्स लिखना, फर्स्ट मन करता है हेडिंग लिखना, जो भी हेडिंग आपको ब्लैक पेन से लिखो, आंसर ब्लू पेन से लिखना, क्वेश्चन ब्लैक पेन आंसर ब्लू पेन से लिखना है। मीनिंग्स होने पर क्या करना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है। आपका मन क्या करने को कहता है, आपका मन क्या करने को कहता है, मेरा मन समुद्र में अंदर तैरने के लिए, मछलियों से खेलने के लिए, वगैरह ना आसमान में दौड़ने के लिए, और ऐसा बहादुर जवान बनने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए मेरा मन चाहता है। सभी को समझ में आएगा बच्चों, समझ में आ रहे। आप अपने घर में किसके गुण कौशल पसंद करते हैं क्यों, मैं अपने घर में अपने छोटी भाई की इसके गुण परिवार में आपको माँ को और छोटे भाई को गुण पसंद करता है, क्योंकि अभी मैं 3 साल का बच्चा है और खूब शोर मचाता है, और मैं भी माँ उसकी कुछ भी नहीं कहती है, मुझे भी ऐसा खेलना और शोर मचाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी उसकी गुण पसंद करता हूँ। तो कहना मैं क्वेश्चन आंसर से आपका अपने क्लास वर्क में क्वेश्चन आंसर सीखना है, ऑलरेडी मैंने भेज दिया। और पतंग के चित्र बनाकर रंग भरे अक्सर ड्रा करना, और कलरिंग एंड पतंग के बारे में लिखना है, पतंग रंग बिरंगे होते हैं और आसमान में धागा के सहारे से आसमान में उड़ाए जाते हैं, तो कहना ना पतंग रंग बिरंगे होते हैं, स्वयं हम खुद से ही बनाते हैं। क्वेश्चन आंसर लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है, और उसके बाद ड्रा करना। मैंने आपको बोले आपको ड्रा करना, व्याकरण नाम भी लिखना है, व्याकरण नाम लिखना है, देखो व्याकरण नाम, व्याकरण नाम लिखना है, व्याकरण नाम मीन्स पार्ट बी, उल्टे शब्द विलोम शब्द वचन लिंग बनाना ये भी लिखना है क्लास वर्क में, ये भी क्लास वर्क में लिखना है।
और आपका अपने वर्कबुक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो पीछे ही आंसर है, आपको देख के ये भी कंप्लीट करना है, ये भी कंप्लीट करना है। आसमान मतलब क्या है? आकाश। आसमान मतलब क्या है? आकाश। चंदा आसमान में चमकता है, चंदा माने तो क्या है? चांद। आंसर चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए, चूज द करेक्ट आंसर भी लिखना है। सूरज दिन में प्रकाश, ये वर्कबुक में कंप्लीट करना है। क्लास वर्क में मीनिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड व्याकरण ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करना है। सो क्लास वर्क में तो अच्छा लिखो, जो भी लिखो अच्छा से लिखो, बीटा पर बीटा थोड़ा लाइन लिख करके लिखो, अच्छा से लिखो, आपको हैंड राइटिंग भी मेंटेन करो अच्छा से, और थोड़ा हैंड राइटिंग के बारे में ध्यान दीजिए, आपको क्लास वर्क के बारे में मार्क्स रहेगा 5 मार्क। ओके ना, क्लास वर्क एवरीबडी शुड मेंटेन भी हैंड राइटिंग, जो भी लिखो अच्छा से लिखो। ओके ना, थोड़ा थोड़ा लाइन लिख करके लिखे तो हैंड राइटिंग भी इम्प्रूवमेंट, सीधा लिखने के लिए ट्राई करो, हैंड राइटिंग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। विलोम शब्द अपोजिट वर्ड सही वर्तन, ये चूज द करेक्ट आंसर है ना, आप अपने वर्कबुक में देख के, आप वर्कबुक में पीछे ही आंसर्स रहेगा, देखो पीछे आंसर्स की मन करता है क्वेश्चन आंसर आंसर्स भी रहेगा, आप देख के लिखना है। सभी को समझ में आ गया बच्चों, ये क्लास वर्क कंप्लीट करना है, क्लास वर्क में जो दिए गए वर्कबुक देख कर फर्स्ट क्या रखना है, मन करता हेडिंग लिखना है, कवि सुरेंद्र विक्रम है, नए शब्द मीनिंग्स, इसके बाद क्वेश्चन आंसर क्या क्या लिखना है। क्वेश्चन आंसर से मैंने बोले ना आपको, ये क्वेश्चन आंसर लिखो पर आपका मन क्या करने को कहता है, आप अपने घर में किसके गुण पसंद करते हैं, कविता में बालक क्या क्या करने को कहता है बताइए, कविता में बालक क्या क्या करने के लिए, सूरज बनकर आसमान में दौड़ने के लिए, प्रचंडा बनकर सप्तारों पर आकड़ दिखाने के लिए, और तितली बनकर दूर दूर तक उड़ने के लिए, और कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनने के लिए, ओके ना, बोलने के लिए, चिड़िया बनकर शोर मचाने के लिए, चरखी लेकर पतंग उड़ाने के लिए, ये पूरा आपको कंप्लीट क्लास वर्क में लिखना है, मीनिंग्स लिखना है, उसके बाद प्रश्नोत्तर क्वेश्चन एंड आंसर, प्रश्नोत्तर हेडिंग लिख के क्वेश्चन एंड आंसर लिखना है, क्लास वर्क कंप्लीट लिखना हो जाना चाहिए। सो फर्स्ट मैंने लास्ट स्टार्टिंग क्लास में आपको वर्णमाला, इसके बाद मात्रा, इसके बाद जो 12 कड़ी, इसके बाद आधा अक्षर, इसके बाद गिनती नंबर हिंदी नंबर, इसके बाद लेसन स्टार्ट किए, लेसन शुरू किए। सो नहीं वाट फर्स्ट लेसन से मैं क्या बोले, फर्स्ट लेसन से मैंने क्या समझा आपको, वही फर्स्ट लेसन से आपको क्लास वर्क में लिखना है, सिर्फ क्लास वर्क में तो आपको वर्णमाला एक पेज में लिखना है, इसके बाद मात्रा एक पेज में, और इसके बाद 12 कड़ी एक पेज में लिखना है, 10 राइट 5 और 10 12 कड़ी, इसके बाद हिंदी नंबर 1 to 50 numbers 1 to 40 numbers 1 से 20 तक हिंदी आकर अक्षरों में लिखना, इसके बाद आधा अक्षर, आधा अक्षर जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में मैंने समझाया बिफोर लास्ट क्लास में, ओके ना। सो आप उसके बाद मन करता है लेसन में मन करता है लिख के कवि का नाम लिख के नए शब्द फर्स्ट नए शब्द मीनिंग्स, इसके बाद नए शब्द आपको वर्कबुक में देख के आप लिखना है, नए शब्द मीन्स मीनिंग्स शब्दार्थ, इसके बाद क्या लिखना है फर्स्ट नए शब्द, इसके बाद प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर लिखना क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर इसके बाद क्या लिखना है व्याकरण, व्याकरण मतलब वचन बदलना, विलोम शब्द शुद्ध वर्तनी कीजिए, पर्यायवाची शब्द, ये पूरा आपको वर्कबुक में देख के आप अपने क्लास वर्क में लिखना है। सभी को समझ में आने बच्चों, तो आप अपना क्लास वर्क कंप्लीट करना है, करता हुआ मन क्या है कंप्लीट क्लास वर्क, कंप्लीट लेसन वन क्लास वर्क, कंप्लीट लेसन वन क्लास वर्क, ये होमवर्क है कल का आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आपको आप सबने नहीं भेजना, फिजिकल क्लास फिजिकल वेरिफिकेशन रहेगा उस दिन आके आपका लेसन लेना है, अगर मैं अंदर इधर क्लास वर्क इसे जो भी क्लास वर्क दिए गए तो आप क्या करना है क्लास वर्क में ही लिखना है, टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स है, टेक्स्ट बुक फिल इन द ब्लैंक्स टेक्स्ट बुक में फिल करना है। सो व्हाट्सएप नहीं भेजना, व्हाट्सएप पर कंप्लीट ना सब भेजो, टेक्स्ट बुक फिल टेक्स्ट बुक में कंप्लीट जैसे उंचाल फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम ही आपको कमेंट टेक करेक्शन, फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम ही मेरे ची करेक्शन दिस पॉइंट है, वो
होमवर्क रीड एंड राइट मीन से होमवर्क तो आज का एक प्रश्न पढ़कर लिखो बोले तो पढ़कर लिखो बोले लिख के भेजना है, होमवर्क बोले तो भेजना है व्हाट्सएप में, क्लास वर्क नहीं भेजना, क्लास वर्क ऑफ क्लास वर्क कंप्लीट दी क्लास वर्क फर्स्ट ऑनवर्ड्स व्हाट आई एक्सप्लेन फर्स्ट ऑनवर्ड्स दैट एवरीबॉडी ऑल यू शुड डू कंप्लीट ऑल मेंबर्स। सो जो होमवर्क दे रहे हैं ना सब बच्चे नहीं कर रहे होमवर्क, सो क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास अटेंड हो रहे हैं लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास में होमवर्क करो बोले तो नहीं कर रहे, और समझ में आपका टेक्स्ट बुक फिलिंग क्लास में लोग बोले तो बार बार फोन करके पूछ रहे हैं टेक्स्ट बुक फिलिंग टेक्स्ट बुक फिलिंग क्लास क्या है, टेक्स्ट बुक देखो उसमें क्या है फिलिंग ब्लैंक से देखो पेंसिल से देखो रीड एंड राइट, सर्किल करो बोले तो सर्किल करो, स्क्वायर करो बोले तो स्क्वायर करो पेंसिल से, शब्द पढ़ा देखो बोलते रीड एंड राइट लाइक दैट ओनली, जोड़ी बना होते मैच द फॉलोइंग ओके ना। सो टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है ओके ना, समझ में आ गया बच्चों आपका यही होमवर्क है, कल का होमवर्क क्या है कंप्लीट द लेसन वन क्लास वर्क, जो लेसन वन कंप्लीट करके फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम आके करेक्शन देना है, सभी को समझ में आ गया बच्चों। सो फर्स्ट ऑफ वर्ड्स मात्रा है, फर्स्ट क्या लिखना मात्रा है, फर्स्ट वर्णमाला लिखना, इसके बाद मात्रा, इसके बाद बराकड़, इसके बाद गिनती नंबर्स, इसके बाद आधा अक्षर, इसके बाद मन करता है लेसन, सभी को समझ में आ गया बच्चों, धन्यवाद बच्चों।